चलिए अब समूचा विपक्ष एक सुर में कह रहा है, एक सुर में आवाज उठा रहा है, मैंने दिनेश जी को पूरा मौका दिया, तो भले ही सीएम योगी प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात करते हैं, लेकिन अब आज की इस डिबेट में जो शायद अब एक इतिहास बनेगी, मैं एक ऐसा सवाल कर रहा हूं ओम प्रकाश जी, अब ये डिबेट मुझे लगता है तभी शायद आगे बढ़ेगी जब पत्रकारों की बात करें। मैं एज बीइंग जर्नलिस्ट, मेरा सवाल है, मैं बहुत दूर से आता हूं, रात में जाता हूं, मैं डिबेट करता हूं, मैं सवाल करता हूं, अब तो मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं मेरे ऊपर यह हमला ना हो जाए, तो आप कैसे गारंटी देगी सरकार कि आज मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊंगा? इस सवाल का जवाब आज इसी शो में पूरे देना पड़ेगा आपको सर। आलोक जी, पत्रकार की गाजियाबाद में हत्या दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। मेरे साथ भी तो वो हो सकता है सर, मैंने सवाल पूछ दिया। सुनिए, अरे भाई आलोक जी, आप अपनी बात क्यों करते हैं? जो भी सार्वजनिक होता है सर, मैं अपनी हर पत्रकार कर रहा है। अच्छा, मुझे इस सवाल के जवाब डिबेट के बाद मैं कैसे घर जाऊंगा, क्योंकि मैंने आज बहुत खुले मन से सवाल किए सर। ठीक है, मैं चलिए ओम प्रकाश जी को, ठीक है ओम प्रकाश जी, मैं आपसे सीधा सवाल, ठीक है मैं थोड़ी देर विपक्ष को हटा देता हूं, मेरा सवाल का जवाब दीजिए, आज डिबेट तभी आगे बढ़ेगी, मैं किसी से कोई सवाल नहीं कर रहा हूं अभी, मेरा सीधा सा सवाल ओम प्रकाश जी से। हाँ जी जी, आप सुरक्षित है आलोक जी? आप पूर्ण रूप से सुरक्षित है और जितने भी प्रदेश के पत्रकार हैं सुरक्षित हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या गारंटी है सर? सर सुनिए, आज बात पत्रकारों की उठी है तो मैं बिल्कुल पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर, कोरोना काल में भी देखा कि पत्रकारों की अनदेखी की गई, डॉक्टर्स के लिए, पुलिसकर्मियों के लिए, सबके किस तरीके से उनके लिए व्यवस्था की गई, लेकिन पत्रकारों की अनदेखी की गई। बिल्कुल पत्रकार सुरक्षित है, इसके लिए गाइडलाइन जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, आईजी, डीआईजी सबको दिया जा चुका है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। सर मुझे कोई जानकारी नहीं, आप ही ने मुझे बताया है, अब जरा बता दीजिए कि क्या क्या गाइडलाइंस है ताकि हम भी अपने को सुरक्षित महसूस कर सके इस स्टूडियो में और जब मैं बाहर जाऊं तब भी। समाचार सुनिए भाई, अरे सर आप ही को तो सुन रहा हूँ, आप ज्यादा ही बोल रहे हैं। सर मैं बोलूंगा, मेरा दर्द बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।